एक पल पूरे दिन को बदल सकता है, एक दिन पूरे जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरा आपका निजु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10 मई का करंट अफेयर और आज का इतिहास है कि 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति का आगाज आज के दिन हुआ था। अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। जेपी नड्डा जो राज्यसभा सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, अंबाला में। और पहले क्या है कि हरियाणा में जो एड्स के रोगी थे, एड्स के रोगियों को पेंशन मिलती थी, ठीक है, पेंशन मिलती थी, ठीक है। अब कैंसर, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया इन रोगियों को भी अब 2500 रुपए जो है पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए सरकार जो है प्रयासरत है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, कैंसर, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के रोगियों को भी अब 2500 पेंशन जो है परमानेंट की मिलेगी, ठीक है। हरियाणा सरकार ने IIT और नीट की तैयारी के लिए जो सरकारी स्कूल के बच्चों का चयन करते हैं तो उसमें सुपर 600 जिसमें 400 बच्चों को तो ऑफलाइन क्लासेस दी जाएंगी और 200 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो टोटल ये सुपर 600 में 400 बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे, तैयारी के लिए उनको करवाई जाएगी, कोचिंग दी जाएगी और 200 को जो है ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है उन्होंने अनाउंस किया। अगली जनगणना जो होगी वो ई जनगणना होगी जिसमें कोई भी नागरिक नहीं जुटेगा, ये अमित शाह ने घोषणा की है। जो केंद्र के गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो अगली जनगणना होगी वो ई जनगणना होगी, ठीक है। यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी जो है वो दी गई है अडानी ग्रुप ने ये फ्रेंचाइजी जो है हासिल की है। जो यूएई की T20 लीग होती है उसकी जो फ्रेंचाइजी है वो अडानी ग्रुप ने हासिल की है। दूसरा जो खेलो इंडिया गेम्स उनसे पहले उनके प्रति जागरूक करने के लिए हर जिले में राहगिरी रिले कार्यक्रम चलाया जाएगा, राहगिरी रिले कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स को उससे पहले लोगों को या खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए, उसके प्रति ध्यान दिलाने के लिए राहगिरी रिले कार्यक्रम हर जिले में कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि जो खेलो इंडिया हमारे हरियाणा में होना है उसकी तरफ जो है लोगों का रुझान ज्यादा हो, ठीक है, उसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो इसके लिए। TVS मोटर के नए MD बनाए गए सुदर्शन वेणु जो है वो TVS मोटर के नए MD बनाए गए हैं। एशियन गेम्स 2022 चीन में होने थे वो स्थगित कर दिए हैं, अब वो 2023 में होंगे। जो एशियन गेम 2022 के भी चीन में होने थे उनको वहां कोरोना के जो किसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है स्थगित कर दिया गया है, 2023 में आयोजन का किया जाएगा। सभी गांव को मुफ्त में
मुफ्त में इंटरनेट देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार हर गांव को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाली है। साइली ऐप का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया है केरल में। केरल में बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए केरल सरकार ने साइली ऐप नामक ऐप जो है वो चलाया है। ठीक है, साइली ऐप जो है वो चलाया है। बीआरओ बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन ने 62वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी स्थापना दिवस 7 मई को, 7 मई को बीआरओ ने बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन में अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस 26वीं बार रिकॉर्ड तोड़ माउंट एवरेस्ट फतेह की है कामी शेरपा। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है। ये नेपाल से संबंधित, नेपाल के लिए 26वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी, इन्होंने पहले पर्वतारोही हैं, इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है भाई, मंकी पॉक्स का दूसरा केस, पहला भी वही मिला था, दूसरा केस भी ब्रिटेन में मिला है। ठीक है, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स का दूसरा केस जो है वो मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्धार परियोजना तो ये भारत ने शुरू की। हमारे देश भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्धार परियोजना शुरू की है। HPCL के सीएमडी बने हैं पुष्प कुमार जोशी को HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी के रूप में चुना गया है। ठीक है, सीएमडी के रूप में चुना गया है। IIM नागपुर के स्थायी भवन का उद्घाटन किया गया है। स्थायी भवन का उद्घाटन किया है किसने? रामनाथ कोविंद, जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के रामनाथ कोविंद, उन्होंने IIM नागपुर के स्थायी भवन का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, स्थायी भवन का उद्घाटन किया है हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, अभी हाल ही में निधन हुआ है, हाल ही में निधन हुआ है रजत कुमार। ये साहित्यकार थे उड़िया के, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री विजेता थे रजत कुमार, उड़िया के साहित्यकार थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। पुरुष सिंगल्स ओपन खिताब जीता है अभी कार्लोस अलकराज ने पुरुष सिंगल्स ओपन खिताब अभी जीता है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सारे आज हमने पढ़े हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।